किया है और आज आप सब लोग और इस यहाँ पर लगभग इन 7 वर्षों के सफर में इस भारतवर्ष के मूर्धन्य महापुरुष जितने भी हैं लगभग सब लोग यहाँ विराजमान हुए हैं, सबने वृक्षावली हम देखते हैं कि हम लोग 1 घंटे की चुनरी मनोरथ करते हैं, कितना देर लगता है, 1 घंटा लगता है लेकिन बिगड़ जाता है, तो भगवत कृपा से ये हरित चुनरी, अखंड हरित चुनरी यहाँ पर धारण हुई है जो कि अखंड रहने वाली है। बस आप लोग हम पर यही कृपा रहे करें कि ये चीज जो भावना में अभी हम लोगों के है कि ऐसा ही दोनों तरफ ब्रज में नहीं अबती हमारा जो यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक का इसी प्रकार से करने की भावना हम लोग चित्त में संजोए हैं। आप लोग कृपा और करुणा बरसाएंगे तो इसी प्रकार से वंश, एक बात और यहाँ का मुख्य स्लोगन है न चंदा दे न चंदा ले, और आज तक इस पूरे क्रम में लगभग 14 किलोमीटर का ये यहाँ भाव रखा गया है, ये इस प्रकार का 1 रुपया भी अन्य किसी व्यक्ति का दूसरे का नहीं है, केवल और केवल बंसल जी का है, भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया है। और भगवान कभी कभी महाराज जी आप लोग कृपा करते हैं भाई 2000 बंसल और हो जाए, महाराज तुरंत भड़क जाते हैं, भले मुझसे मेरी सेवा की क्षमता हो 4-5 बंसलों की ताकत मुझ में दे दो ना, तो ऐसे वो बंसल जी भावना रखते हैं। तो यह छोटा सा और अभी लेकिन महाराज एक बात और कहेंगे, ये हमने बहुत बड़ा पाप भी कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया ये सब लगाकर, ये सुनने में आपको अटपटा लगेगा लेकिन हम झेल रहे हैं महाराज, पूरी संस्था इस विषय को झेल रही है, नित्य नित्य कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे वो, लेकिन हमको लगता है महाराज जी वो लोग कहीं ना कहीं कमी बता करके वो सुधार करना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोई अखबारबाजी के माध्यम से शासन प्रशासन सब लोग हम पर कृपा बनाए हुए हैं। कृपा का तात्पर्य इतना हो गया है कि अब तो ये ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में छिन ना जाए हमसे, तो अब आप लोग देख लीजिए पाप हमने किया है पर आज आप भी उसमें हमारे साथ सम्मिलित हो गए हो, तो अगर अपराध है तो आप हमें दंड दीजिए एवं अथवा इसको संजोइए और हमको सहारा दे करके हमें कृपा करें और इसको ऐसे ही हम यमुनोत्री प्रयागराज तक और यमुनोत्री तक के बीच के सफर को इसी प्रकार से सुसज्जित करें, ऐसे हमें कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और आगे मैं बस निवेदन करूंगा हमारे मुसाई जी से और आपसे निवेदन करूं हमारे सभी